Hi friends, welcome to Nivesha's Punjabi Cuisine. मैं हूँ शेफ नसरीन और आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं बहुत ही delicious, आसान और quick recipe, जो आसानी से आप अपने घर पर बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ enjoy कर सकते हैं. तो चले आए शुरू करते हैं. आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कॉर्न सूप, जो बहुत ही टेस्टी है और आसानी से आप अपने घर पर बना सकते हैं, और इसको बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से पीते हैं. सबसे पहले हम लेंगे 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट. इसके लिए हम लेंगे 2 लीटर पानी, जिसमें हम चिकन को मीडियम आंच पर उबाल लेंगे. 10 से 15 मिनट तक हम इसको बॉईल करेंगे, और बॉईल करने के बाद एक प्लेट में निकाल कर इसको छोटे छोटे पीसेस में हम तोड़ लेंगे. इसके लिए हम एक कैन कॉर्न ले लेंगे और उसको थोड़ा सा हम पीस लेंगे ताकि सूप में एक अच्छा क्रीमी लुक आए. कॉर्न को सूप में डालने से पहले हम एक प्याली सूप निकाल लेंगे, फिर हम सारी कॉर्न सूप के अंदर डाल देंगे. अब कॉर्न डालने के बाद हम इसको हल्की आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे. फिर एक बाउल में 2 टेबलस्पून मैदा लेंगे, 1 चिकन क्यूब जो उस मैदे में अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे. तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसको सूप में डाल देंगे. इसके साथ हम मिला लेंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद मिर्च और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे. अब हम चिकन के पीसेस डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे. इनको थोड़ी देर पकाने के बाद हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लेंगे और 1 टेबलस्पून नमक. इसके बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी, और इन सब चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे. जो 1 कप सूप हमने निकाला था उसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर मिक्स कर लेंगे, और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद सूप में डाल देंगे. सूप के लिए लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें, स्टील के चम्मच से कॉर्नफ्लावर गाढ़ा होने के बजाय पतला हो जाएगा. अब हम 2 अंडों को फेंट कर सूप में डाल देंगे, और अंडों को डालते वक्त चम्मच थोड़ा सा फास्ट चलाएंगे हम, ताकि अंडा अच्छी तरीके से सूप में मिक्स हो जाए. और अब सूप हमारा तकरीबन तैयार है, और देखने में सूप हमारा बहुत ही मज़ेदार लग रहा है. और चंद कतरे तिल के तेल के डाल देंगे. अब हमारा चिकन कॉर्न सूप तैयार हो चुका है. अगर आप चाहें तो इसमें सोया सॉस और चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं. और अब हमारा बहुत ही टेस्टी चिकन कॉर्न सूप तैयार हो चुका है, और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें. अगर आप मेरी आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें.